हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पर। दोस्तों आज फाइनली यहां पर सेकंड डे सब्सक्रिप्शन स्टेटस लेकर के आया हूं शेरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी आईपीओ का। तो जिन जिन ने भी इसमें अप्लाई किया है, अभी उनके मन में सवाल है हमें इसका अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने परसेंट चांसेस हैं, और अभी लेटेस्ट जीएमपी कितना इसका चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। इसके साथ साथ जिन जिन ने अभी अप्लाई नहीं किया उसके लिए भी एक दिन और बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले वो लोग स्टेटस देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ है, तो पूरी डिटेल में बात करने वाले। सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस में बात करेंगे तो आप देखेंगे सीमा एसजीएस आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव अपडेट डे टू। तो यहाँ पर आप डे वन के अंदर देखते हैं क्यूआईबी में बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, एनआईए में 0.13% हुआ और रिटेल कैटेगरी में 0.69। तो वन डे का टोटल अगर आप देखते हैं तो 0.37% ही सब्सक्राइब हुआ था। अब डे टू की बात अगर करें तो क्यूआईबी में बिल्कुल भी सब्सक्राइब अभी भी नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और एनआईए में आप देखेंगे 0.74 हो गया, वहीं पर रिटेल कैटेगरी में आप देखेंगे तो 1.56%। ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखते हैं तो 0.92, यानी 100% सब्सक्राइब होने से थोड़ा सा ये कम है। तो दोस्तों आज लास्ट डे, डे थ्री है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्राइब, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ लगातार वीडियो में कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद एक अच्छा आईपीओ आया, इसकी प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया है, तो ये ओवर सब्सक्राइब जरूर होगा। तो यहाँ पर ये ओवर सब्सक्राइब होने की तैयारी है, तो जो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जरूर से करिए, क्योंकि जब ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो इसका जो जीएमपी है वो एकदम से आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, तो चलिए हम फटाफट से इसका जीएमपी भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो अभी देख लीजिए सीमा एसजीएस आईपीओ का जीएमपी भी 25 रुपये चल रहा है, जो कि कल भी 25 रुपये था, कोई भी इजाफा इसमें नहीं हुआ है। वही लिस्टिंग गेन आप देखेंगे 10% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसकी प्राइस 220 रुपये रखी गई, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 68 शेयर का लोट है, तो 68/25 अगर आप करते हैं, क्योंकि अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी 25 चल रहा है, तो आपको कितना मिलता है आप देख लीजिए। यहाँ पर 1700 रुपये का बेनिफिट मिलता है आपको, अभी अगर एक लोड के लिए अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो 1700 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेने के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए 1700 रुपये का लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर है उनके लिए, बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों दोनों ही सूरत में ये आईपीओ बहुत ही अच्छा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो 10% है, कहीं ना कहीं आपको 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ से मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन। और ये जो 25 रुपीज़ है ये 35 रुपीज़ जा सकता है, या फिर ये 45 रुपीज़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिस तरीके का कंपनी का कामकाज है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कामकाज, तो इसकी डिमांड तो लगातार बनी रहती है, तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अमूमन लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो अगर आप एक लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 68 शेयर आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। वहीं पर इसकी बिडिंग डेट आप देखेंगे 12 तारीख को ओपन हुआ था, 18 को क्लोज हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, लोट 68 है एक लोट के लिए, और अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपको आईपीओ मिल जाए तो आपको इस वाले प्राइस पर अप्लाई नहीं करना है, हमेशा ये कट वाले प्राइस, कट ऑफ वाले प्राइस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आईपीओ मिलने के। वहीं सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको बता दिया है, ओवर सब्सक्राइब होने की तैयारी में ये। इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल पर आप नज़र डाल लीजिए जरा, इसका रेवेन्यू देखेंगे 2019 से 2021 तक लगातार ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो भी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के मिलेंगे। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार 2019 से लेकर 2021 तक का डेटा अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट हुआ है 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, 21 करोड़ का। वहीं पर 2020 में देखेंगे तो 44 करोड़ के आसपास है, वहीं पर 2021 में थोड़ा सा नीचे आके 30 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट इसका देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा काम काज है इसका, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जरूर से कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। जैसे इसके जीएमपी में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं अपना वीडियो आपके लिए बना करके ले आऊँगा फ्रेंड्स।